यो व्हाट्स अप गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। और आज हम खेलने जा रहे हैं एक नया गेम जिसका नाम है हिटमैन 2, द मोस्ट ट्रेंडिंग गेम एंड द स्नाइपर शूटर गेम। तो बढ़ते हैं गेम में, ये बहुत ट्रेंडिंग गेम है। तो विथ एन अमेजिंग इंट्रो गेम को आगे कंटिन्यू करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो अपना जो गेम है वो आ चुका है। और हिटमैन 2 यहाँ पर 4 मोड में आता है, प्रोलॉग, हिटमैन, हिटमैन 2, पेशेंट 0। और इसका जो डेस्टिनेशन मोड है उसमें भी बहुत सारा मैप आता है, 15 मैप है यहाँ पर। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर न्यूजीलैंड का है, और उसके आगे भी बहुत सारा मैप है जो कि हिटमैन का था। अगर हिटमैन नहीं खेला तो यहाँ से देख लेना, यहाँ से बहुत सारा है। फिर उसके आगे आता है यहाँ पर मुंबई, ये सब भी आता है। आज के लिए हम खेलेंगे हॉक्स बे जो कि है न्यूजीलैंड का। तो ये वाला मिशन हम आज क्लियर करेंगे। तो इसको मिशन क्लियर करने के लिए यहाँ पर मिशन का नाम है नाइट हॉल, और ये जगह है न्यूजीलैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ये सब है, और यहाँ पर प्लानिंग ये सब है। और अभी यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं प्ले। और यहाँ पर जब तक ये चल रहा है तब तक आप एक काम कीजिए, ये जो वीडियो का लाइक गोल है कम्प्लीट कर देना, जो कि 40 लाइक्स का है। और यहाँ पर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर गेम कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा लोड होने देते हैं। और यहाँ पर ये WB गेम्स प्रेजेंट्स, यहाँ पर NIO इंटरेक्टिव गेम। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, यहाँ पर इसका देख सकते हो ये थोड़ा स्टोरी मोड चल रहा है, देखते हैं। Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. सो गाइज, यहाँ पर से अपना जो स्टोरी मोड है कंटिन्यू होता है। और यहाँ पर देख सकते हो हिटमैन 2 आ चुका है यहाँ पर बोट पे, और हमारा जो है हैंडलर जो कि डायना, वो हमें यहाँ पर देखते रहेगी और बोलेगी कि क्या क्या करना है मिशन में, फिर हमें देखना है क्या करना है। और यहाँ पर हमारा हिटमैन 2 एंट्री मार चुका है, और आपने तो स्टोरी मोड सुन ही लिया होगा क्या कह रहा है। यहाँ का जो है एक सीडो क्लाइंट नाम का है, और यहाँ पर एक रेनार्ड बोल के एक है, उसको हमें मारना है, एल्मा रेनार्ड्स, तो उसको हमें टपकाना है। और फिलहाल तो मैं इस तरफ बीच के साइड आ चुका हूँ, और उसका घर जो है बीच के पास ही है, सामने की तरफ देख सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी आगे बढ़ता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो भी खेलेंगे हम, वो मुंबई खेलेंगे या नहीं ट्रॉपिक इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी कंटिन्यू करता हूँ मैं, और चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ का ग्राफिक्स एक नंबर, 4K क्वालिटी का ग्राफिक्स है गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो मून भी रात में कैसे चमक रहा है। और यहाँ पर मैं अभी बढ़ता हूँ आगे और सुनते हैं इसके बाद। At the location. No hostile presence. Understood. Alma Reynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Reynard is one of the Shadow Client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. हाँ, तो गाइज यहाँ पर आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि डायना बता रही है कि अभी जो रेनार्ड्स है उसके घर में नहीं है। और यहाँ पर हम उसके घर को जाके एक फाइल ढूंढना है जो कि शैडो क्लाइंट नाम का है, और उसके घर को जाके हमें ढूंढना है। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ चुका है जो कि फाइंड ए वे टू द हाउस। तो यहाँ पर अभी चलते हैं, हमने यहाँ पर क्राउच करके चला है क्योंकि यहाँ पर कैमराज भी लगे हुए हैं, तो अगर कैमराज देख लिए तो उसको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर उसके कोई भी बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं है, सब उसके साथ गए हैं। और यहाँ पर हमें इक्विप करना है अपना गन ICA 19, यहाँ से हमें इसको शूट आउट करना है जो कि कैमरास हैं।
और यहाँ पर एक ही बारी में कैमरा से निकल आएगा क्योंकि अपना जो है हाथ बैठ चुका है GTA 5 खेल खेल के। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चलता हूँ और यहाँ पर और एक कैमराज भी है। तो यहाँ पर डायना बता रही है कि घर में बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं तो वहाँ पर उसको जाके फोड़ना है हमको। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको भी फोड़ चुका हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करना है हमें। तो इस तरफ कुछ गैरेज है जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर क्या करना है डायना से पूछ लेते हैं हम गाइस। तो ये देख सकते हो able to jimmy open the garage door with a proper tool. Why don't you search the pool area 47? मैंने बता रही है कि पूल के साइड जा सकते हो तुम और वहाँ पर जाके कुछ मिले तो यहाँ पर गैरेज खोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जाता हूँ और कुछ चाबी या फिर लॉकपिक मिले तो हम यहाँ पर गैरेज को खोल सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूल के साइड आ चुका हूँ और इस तरफ एक भी कैमरा नहीं था। और फिलहाल यहाँ पर एक मुझे स्क्रू ड्राइवर मिला और एक वेसल के अंदर भी कुछ है जहाँ तक मुझे लगता है। तो अपना गन निकालता हूँ और गन से उसको शूट करता हूँ। तो यहाँ पर से गन निकाला और इसको शूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या मिला यार, दो चार पॉइंट्स मिल गया जहाँ तक लगता है। अब मैं इस तरफ चलता हूँ। अरे उस तरफ नहीं जाने का, इस तरफ भी एक रास्ता है, ये खुलेगा क्या? हाँ तो ये खुल रहा है तो इसके ज़रिए हम जा सकते हैं। तो ये खुल चुका तो अभी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गाइस एक बड़ा सा थिएटर जैसा टीवी चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब यहाँ पर खतरनाक खतरनाक लूट्स हैं। और ये जो है एक स्टोरेज रूम है और वहाँ पर एक पॉइजन नाम का कुछ लिखा था तो उसमें हम पॉइजन डाल सकते हैं जहाँ तक लगता है। और यहाँ पर स्टोरेज रूम में कुछ ज़्यादातर नहीं है, बस स्टोरेज एरिया ही है। और यहाँ पर एक थोड़ा बहुत खाने का आइटम्स है जो कि मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर हमें पॉइजन भी मिल गया, देख सकते हो रेड पॉइजन। और यहाँ पर कुछ तो नहीं है, बस छुपने का रास्ता है। और इसको खोलने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है लॉकपिक का ज़रूरत है जो कि हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम पहले ही दरवाजे से आ जाते, इतना ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, जल्दी से इसको खोलते हैं। और इसके पीछे के दरवाजे में कुछ है क्या? तो ये भी नहीं खुलेगा क्योंकि की नहीं है हमारे पास। तो की भी देखना है और यहाँ पर लॉकपिक भी ढूंढना है। फिलहाल मैं यहाँ से निकल आता हूँ और यहाँ पर अभी थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं घर को। और यहाँ पर हमें ढूंढना है सर्च द हाउस फॉर इंटेल ऑन द शैडो क्लाइंट। शैडो क्लाइंट हमें ढूंढना है, कुछ इंटेल टाइप का है तो उसको हमें ढूंढना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर इतने अंदर अंदर क्या है भाई, इतना अंदर अंदर कोई घर बनाते हैं क्या, इतना अंदर है। तो यहाँ पर बस पेंटिंग्स है, यहाँ पर कुछ वाइन्स हैं और यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चलता हूँ। और ये तो वॉशिंग एरिया है तो यहाँ पर से तो मैं बाहर निकल आ चुका हूँ। और यहाँ पर मुझे जहाँ तक पॉइजन दिखा था तो यहाँ पर मैं पॉइजन डाल देता हूँ। ये खाना है जहाँ तक, ये रेड पॉइजन डाल देता हूँ। अगर एलम रेना यहाँ पर आई और कुछ खाना खाई तो मर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और इस तरफ हमें जाना है क्योंकि मैप में इस तरफ दिखा रहा है बाहर का एरिया तो ये है। Early 30s. Executed. I see them. Oh, poor bastards. Looks like Reynard's grisly handiwork, all right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. रास्ता से अंदर जाने का सोचा इसलिए हमें यहाँ पर आ रहा था कि इस तरफ से जाओ। तो अभी भी आ रहा है, देख सकते हो 4-5 मीटर कुछ लिख रहा है। और यहाँ पर दो बॉडीज गिरे हुए हैं, एक मैन और एक वोमैन। तो यहाँ पर इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमें बस रेंच मिल गया यहाँ पर से। और उस तरफ भी कुछ है देखता हूँ। यहाँ पर एक कार बैटरी है और यहाँ पर तो एक लैपटॉप या फिर कुछ और है तो उसको लेने का नहीं है हमको। बस कुछ लॉकपिक वॉकपिक मिल जाए और कुछ मिल जाए तो उससे हमें यहाँ पर इंटेल मिल जाएगा। फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ और इस तरफ एक डेस्कटॉप है कंप्यूटर, इसको देखते हैं। कंप्यूटर, सी इफ यू कांट एक्सेस इट। एनक्रिप्टेड। अस्सुमिंग देयर इज अ की, रेनार्ड वुडंट जस्ट लीव इट लाइंग अराउंड। वेट, अकॉर्डिंग टू द फ्लोर प्लान, द रूम यू आर इन शुड बी अ लॉट बिगर। देयर माइट बी अ कंसील्ड स्पेस बिहाइंड द वॉल। Check for hidden panels, 47.
यहाँ पर डायना बता रही है कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पर फ्लोर प्लान ये जो रूम है थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पर हमें इंटेल भी मिल गया, ये जो पेंटिंग है इसको हमें हटाना है क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खुल गया। और यहाँ पर हमें गन्स भी मिल गया, देख सकते हो बहुत तगड़ा तगड़ा गन्स है। और पीछे तरफ हमें कैमरा वाला रूम भी मिल गया, देख सकते हो यहाँ पर कैमरा चल रहा है और उसका डिस्क इधर ही है। तो इसको हमें इसको डैमेज यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि हमें यहाँ पर कैमरा में आना नहीं है। और यहाँ पर पूरा डिस्ट्रॉय करके हमने बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पर कुछ है क्या, शायद लॉक पिक है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो लॉक पिक मिल गया हमें। और यहाँ पर हियर वी गो, तो यहाँ पर और कुछ है प्लान तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्लान्स बनाया है रेनर्ड्स ने, तो वो देखना है हमें। और फिलहाल ये तो कुछ काम का नहीं है, और हमें यहाँ पर से बाहर जाना है। जो शैडो क्लाइंट था वो अभी तक मिला नहीं, और ये जो डेस्कटॉप है उसमें देखते हैं। I'm in. Hurry. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Nothing on the shadow client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got what we're going to get. Go to stage 247. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the shadow client for once. Let's keep it that way. Ugh, I thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Okay, तो गाइस यहाँ पर रेनर्ड आ चुकी है, देख सकते हो एंट्रेंस में जो है वो है रेनर्ड, और उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी आ चुके हैं। और अभी ये सही मौका है रेनर्ड्स को मारने का। और उसको यहाँ पर से देख सकते हो, मैंने यहाँ पर रेड कलर का दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का एक विज़न है जिससे हम देख सकते हैं एनिमी को। और यहाँ पर ICA-19 से मैं मारने वाला हूँ रेनर्ड्स को। तो रेनर्ड्स को मारने के लिए बहुत तगड़ा वाला गन मिल चुका है मेरे को। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छुप के जाना पड़ेगा क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो उसके बॉडीगार्ड्स वहाँ से चले गए हैं, तो ये सही मौका है यहाँ पर उसको टपकाने का। तो उसके बॉडीगार्ड्स इससे दूर हैं, तो यहाँ पर मैं साइड में आ चुका हूँ। थोड़ा एम करते हैं गाइस उसके ऊपर, और ये दिया तड़का, ये लिया हेडशॉट, पट्टे से हेडशॉट बच गया और यह टारगेट डाउन। तो वेल डन 47, यहाँ पर हमें आ चुका है मैसेज। तो अभी यहाँ पर से हमें चलना है क्योंकि यहाँ पर बॉडीगार्ड्स ने देख लिया है हमको, तो यहाँ पर से हमें दौड़ना है। भाई साहब गोली बारी हो रही है हम पे, जल्दी जल्दी दौड़ 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 मिलकर दौड़। तो यहाँ पर जल्दी, यहाँ पर भाई साहब कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं जल्दी से जा रहा हूँ एग्ज़िट ढूंढ में, क्योंकि एग्ज़िट यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि उस तरफ देख सकते हो जहाँ से हमने बोट पकड़ा था और आया था, वहाँ पर हमें फिर से जाना है और वहाँ पर ही एग्ज़िट मिलेगा। तो यहाँ पर से मैं क्राउच करते करते जाने वाला हूँ, जो कि झाड़ियों में छुप छुप के जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर से देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी हैं, तो यहाँ से इनसे बचना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है क्राउचिंग टू द वेजिटेशन अलाउज यू टू मूव अराउंड अनसीन। तो हमें पता है भाई, इतना भी हम मूर्ख नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें इस वेजिटेशन के ऊपर क्राउच करके जाना पड़ेगा क्योंकि हमें अनसीन करके जाना है, और हमारा जो टारगेट है डाउन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर से अभी हमें चलना है, और पहले तो यहाँ से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं मेरे आसपास, तो उनसे बच के मेरे को बोट तक जाना है, क्योंकि बोट के पास ही हम जा सकते हैं और मिशन कंप्लीट हो सकते हैं, नहीं तो ये मिशन यहीं पर फिर से रिट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सामने की तरफ एक कार भी है, और यहाँ पर थोड़े बहुत लोग भी हैं जिससे बचना है मेरे को। ओ भाई, सामने की तरफ दो दो बंदे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा जैसे भी करके, और यहाँ पर मुझे कुछ मिल रहा है, तो कुछ झाड़ टाइप का है, ड्राई वुड कुछ है, पता नहीं, देख लेते हैं। फिर यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा है जिसको मुझे मारना पड़ेगा जैसे करके भी। तो यहाँ पर मैं अपना जो खोलता हूँ, तो ये है ड्रिफ्ट वुड लॉक, इसका कुछ काम नहीं है, मैं गन से ही मारने वाला हूँ इसको। तो यहाँ पर से गन निकालो भाई, तो यहाँ पर अपना गन इस तरफ है, तो यहाँ पर से मैं गन ले लेता हूँ।
और इसको मैं यहाँ पर से पट्ट से हेडशॉट देने वाला हूँ, क्योंकि वो वाला जो बड़ी गाड़ी है इससे बहुत दूर है, तो इसको मैं जल्दी से हेडशॉट देता हूँ। तो ये गया एम और ये दिया हेडशॉट, बोले लग गया हेडशॉट लग गया, तो इसको पता नहीं चला अभी तक। तो मैं यहाँ पर से आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी देर बाद देखना है। अरे भाई इस तरफ भी बंदे थे क्या, उसको पता चल गया भाई साहब, ये पता ना चले सबको बोल ना दे। तो यहाँ पर देख सकते हो उसको पता नहीं चला और ये उसको बोलने गया है, और उसके अंदर मैं यहाँ पर से निकल जाता हूँ, उस तरफ मैं चले जाता हूँ जिससे वेजिटेशन के अंदर मैं छुप जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आगे की तरफ चलता हूँ और इसके पास एक पिकअप ट्रक है जिसमें फ्यूल है, शायद मैं इसको ब्लास्ट कर सकता हूँ जिससे सबका जो भी चल रहा हो उस तरफ देखें, और यहाँ पर से सबको ध्यान भटकाने के लिए वो अच्छा रास्ता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करता हूँ। No way to get past them unnoticed. I suggest you cause a distraction, 47, and make it a loud one. सो गाइज यहाँ पर मुझे डायना का मैसेज आ चुका है कि ध्यान भटकाने के लिए वो फ्यूल टैंक में गोली मार सकते हो, और उससे पहले यहाँ पर देख सकते हो ये बॉडी गार्ड है, अच्छा हुआ चला गया नहीं तो इसको भी मैं मार देता अभी। तो गाइज अभी मुझे ध्यान भटकाने के लिए इसको फ्यूल टैंक मारना पड़ेगा। यहाँ पर एक गोली मैंने मार दिया और एक गोली मार देता हूँ जिससे आग बढ़ता जाए। तो ये एक तगड़ा ब्लास्ट हो गया, देख सकते हो कतई जहर वाला ब्लास्ट हुआ है ना, इसी बात पर लाइक कर देना वीडियो को। और ठीक है, यहाँ पर पूरा चारों तरफ रेड हो गया रास्ता, यहाँ पर देख सकते हो पूरा यहाँ पर वेजिटेशन पूरा रेड हो गया, यहाँ पर देख सकते हो, और उस तरफ जितने भी बंदे थे सब यहाँ पर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, क्या हुआ बोल के। तो यहाँ पर यही सही रास्ता है मेरे लिए, सही टाइम है यहाँ पर से भागने का, तो मैं जल्दी से चलता हूँ और यहाँ पर चलते हैं अपने एग्जिट की तरफ। तो मैं अभी क्राउच करके चल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर से क्राउच में हट जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से थोड़े बहुत बॉडीगार्ड्स हैं जो हमें देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी जल्दी से वहाँ पर चलता हूँ और अपना जो मिशन है पूरा कंप्लीट हो गया गाइस विदाउट एनी इशू हुआ था गाइस। थोड़ा बहुत बॉडीगार्ड्स ने हमें देख लिया, नहीं तो हम पूरा साइलेंटली उसे मार के चले जाते। तो फिलहाल आज का जो मिशन था पूरा कंप्लीट हो गया, वहाँ पर देख सकते हो पूरा रेड हो गया है, और अभी मैं यहाँ पर से एग्जिट करता हूँ मिशन को बोट को थोड़ा ठगल के। तो यहाँ पर हमारा जो मिशन था वो हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा जो हिटमैन है जा चुका है और यहाँ पर से अपना मिशन कंप्लीट है जो कि था नाइट कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आज के वाले वीडियो में इतना गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगा आप लोगों को। आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मुंबई का मिशन है वो हमें खेलना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर जो मिशन है कंप्लीट हो गया, देख सकते हो एनएनवीएस। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय।